हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो फाइनली आप देखिए मेरे साथ कौन है, मेरी छोटी 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 मोटी छोटी मोटी झबुंडी, मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, मंजली मासी की बेटी है, सुमायरन श्री मिस पीटू। शायद आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे इसे, हम लोग काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुका है हम लोग दोनों का। तो फिलहाल मुझे यहाँ काम था कुछ, तो मैं वो काम निपटा लिया हूँ और यहाँ से फिर अब निकलने वाले हैं। वैसे आप लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस जो रांची से भागलपुर में जर्नी किया था, फुल जर्नी वो हुई थी, ठीक है, तो उसे देखा है ना, तो उसे देख लीजिए। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और वैसे मैं बता दूँ, आज हमारी जर्नी होने वाली है कहाँ, भागलपुर से रांची की, वो भी किस पे, गुड्डा रांची ट्रेन पे 18604 पे, ठीक है। तो वो स्लीपर कोच है हमारा। तो अभी टाइम देखिए, अभी टाइम हो गया है 2:23 हुआ है। और सबसे पहले मैं इसका बारे में बता दूं, ये स्मार्ट वॉच जो देख रहे हैं, ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है, एडवांस बर्थडे गिफ्ट, अभी से ही मेरे मौसा जी मेरे मासी जी ने, मतलब इसके पापा मम्मी ने गिफ्ट दे दिया मुझे। और भी चाहिए, और भी कुछ मिला है, लेकिन सबसे बेस्ट तो मुझे यही मिला है। और तो उसके बाद फिर कुछ काम था, वो तो बाद में बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ से अब निकलने वाले हैं, चलिए चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं स्टेशन पे। सो गए, तो देखिए अभी पहुँच गए हैं भागलपुर स्टेशन, और ये रही स्टेशन, वो मेन एंट्रेंस वहाँ पर रहा। तो यहीं से अब निकलने वाले हैं। अभी तो फिलहाल टाइम है, अभी टाइम हुआ है कितना, 5 बजे में, अभी टाइम है, अभी 5 बजे का ना, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी तो फिलहाल 4 ही बजा है, 5 बजे फिर निकलेंगे, तो अभी आने में टाइम है गाड़ी, तब तक चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो गाइस, तो अभी तो यहाँ ले लेंगे वाटर बॉटल, कुछ नॉर्मल दीजिए, वाटर बॉटल ले ले रहे हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। ज़्यादा भी तो टाइमिंग है, अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो 4:37 ही हुआ है, 5 बजे आएगा, ठीक है। तो सारा लेके फिर मिलते हैं। तो गैस, तो आज हमारा सीट हो गया लोअर बर्थ 9 नंबर, बिल्कुल फेवरेट। तो हम लोग निकल गए हैं भागलपुर स्टेशन से, बिल्कुल टाइम हो रहा है 5:05, टाइमिंग के हिसाब से निकली है, 5:05 टाइम इसका था ही। तो अब देखिए स्टॉपेज जो है, तो सारा स्टॉपेज तो कवर नहीं करेंगे, बट हो सके जितना हो सके तो कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गैस, तो अभी आ गए वो कभी स्पेशल ब्लॉग कभी बनाएंगे, फिलहाल अभी सुल्तानगंज में है। और यहाँ से और एक बात बता दो, अभी शायद जो अभी सावन का मेला में जो सभी लोग जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सभी हेल्प सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ देखिए वहाँ पे हेल्प सेंटर बनाया हुआ है, जो भी कुछ भी हेल्प ले सकते हैं, जो भी यहाँ बोलबम की और आगे देखिए, ये सभी लोग कुछ कुछ अपना लेके जा रहे हैं। तो ये जैसे मैं बोलबम का वीडियो बना चुका हूँ, फैमिली के साथ गया था, स्पेशली ट्रैवल करके ही जाऊँगा, प्लानिंग तो चल रही है अभी, कोशिश करते हैं बहुत जल्द चले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कब जल्दी निकलते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ वहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, तो ज़्यादा टाइम तक लग जाएगा, 5:30 में यहाँ पहुँचाएगा।
चलिए भैया इसके बीच में स्टॉप वगैरह आए थे तो उन लोगों से बात किया, बट उनमें क्या हुआ एक्चुअली मैंने कम्प्लेन एक्चुअली मैं एक अपना जो डिनर होता है उसे ऑर्डर किया, बट उन लोगों ने एक रेट अलग तरह का बताया, बट लास्ट मैंने बिल की भी बात किया तो वो थोड़ा मिसबिहेव कर किया, तो मैंने अभी कंप्लेन कर दिया है। देखते हैं कब तक सोल्यूशन होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आगे कंप्लेन किया जाएगा, तो जो भी अपडेट होगा आपसे बताएंगे। ठीक है, आज तो फिलहाल लखनऊ के इंपोल जंक्शन, और वो मैंने बताया था ना एक कंप्लेंट के बारे में, उन्होंने कॉल किया था रेल मदद की ओर से, और कॉल करने के बाद सारा डिटेल उन्होंने पूछा मेरे से क्या हुआ था, जो भी हुआ था सारा मैंने बता दिया। उन लोगों का कहना है कि ये आरसीटीसी का मतलब मेंबर नहीं थे, स्टाफ नहीं थे, और मैं गलती कर गया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है, और ना उनका नाम मैं देख पाया, तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आगे का ये जो कंप्लेंट है आगे कर देता हूँ, और उनसे जो एरिया में जो हुआ था ये बात इंस्पेक्टर से बोला कि ठीक है इंस्पेक्टर से बात हो जाएगी, तो जो भी होगी तो मैं कोशिश करूँगा अपडेट कर देना, और वही बात डिनर की जो देखते हैं ऑनलाइन डिनर ऑर्डर करते हैं। आदि तो फिलहाल अभी है क्यूर में, और बताया था ना वो प्रॉब्लम जो हुआ था, एक जो भी लेने आए थे ऑर्डर, तो उन्होंने जो ऑर्डर लिया था ना तो मिसबिहेव करके जो भी किए थे, तो वो तो कंप्लेंट मैंने कर दिया था, तो उन्होंने दोबारा कॉल आया था रेल मदद की ओर से, जो कॉल आया था तो उन्होंने साफ बताया कि आप अगर नंबर नाम वगैरह जो भी अगर देखे रहते ना तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता आपका, बट मैंने तो नाम वगैरह नहीं देख पाती, ये जो भी होता कॉल आया था उन लोगों में से एक में जो भी कॉल किए थे, हाँ सोल्यूशन हुआ, उन्होंने बोला कि हम इंस्पेक्टर को बता देंगे जो भी होगा बताएंगे, ठीक है, तो अब फिर से ऑर्डर लेके गए, देखते हैं आता है कि नहीं, तो फिर से कंप्लेंट करेंगे। ऑर्डर लेके गया बट अभी तक वो भी नहीं आया, ठीक है, अब उतना दिन दे सकते हैं, तो ले लिए समोसा, काफ़ी ज़्यादा भूख मिला, अगर आएगा तो डिनर नहीं आएगा तो ये काट के देखेंगे, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेगा नहीं तो यही सब खाली छोड़ देंगे, ठीक है, पता है कुछ मिलता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी क्यूल जंक्शन पे भी हमारा डिनर नहीं दिया गया, क्योंकि क्यों नहीं दिया गया वो पता ही आप लोगों को, मैं जब भी बिल का डिमांड कर रहा हूँ वो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर रहे हैं, बट मैं बिल मांग रहा हूँ कि मैं जितना पैसा को उतना ही दूंगा। तो फिलहाल देखिए अभी मैं रेल ये डायरेक्ट जो रेल रेस्टोरेंट जो है उससे मैंने अपना डिनर ऑर्डर किया है, वो भी चिकन मिनी थाली जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सामने मैं दिखा रहा हूँ, तो ये सारा प्लेस जो है ऑर्डर जो किया था वो झाझा जंक्शन में आएगा, तो आएगा उसके बाद आप लोग दिखाते हैं। सो गाइस तो हमारा थाली आ गया, और ये भैया लेकर आए हैं जो ऑनलाइन मैंने रेल रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर किया था, थैंक यू भैया, वेलकम सर। सो गाइस तो ये रही रेल रेस्टोरेंट से जो मैंने ऑर्डर किया था, आप लोगों ने देखा अभी भैया आके देखे गए हैं जो भी ऑर्डर लिए थे, मैं ऑर्डर लिया था ये जम्मू स्टेशन से एक पीछे, ठीक है, करीब 1 आवर अप्रॉक्स के आसपास टाइम लगा, और ये देखिए क्या क्या दिया है, तो इसे फटाक से खोल के इसके बाद आप लोग दिखाते हैं। तो फाइनली ये रही देखिए क्या क्या ऑर्डर मैंने किया है, इधर राइस है, सलाद वगैरह है, इधर दाल है, दो जगह दाल भी आ गया है, ठीक है, उधर सब्ज़ी है, और ये चिकन करी है, और इसमें रोटी है,
मुझे 166 लगा, वो 159 के आसपास था ये सारा आइटम और डिलीवरी चार्ज वगैरह लेके 166 लगा। तो चलिए अब इसे ट्राई करते देखते हैं क्या 166 लाइक है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जीरा राइस है यार, पिकल भी दिया हुआ है, यह सॉरी मैं इसमें बताना भूल गया, रोटी नहीं है इसमें, पराठा दिया हुआ है, सलाद इधर, सब्जी है मिक्स वेज सब्जी, इधर चिकन का दो पीस। ठीक है, तो चलिए अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका मिक्स वेज जो है उसके साथ ट्राई करते, वो भी जीरा राइस के साथ। गरम रहता तो और भी टेस्टी रहता, वैसे गरम नहीं है। ठीक है। दाल के साथ ट्राई करते हैं इसका, वही बोला ना मैंने गरम नहीं, जो उसमें प्रॉब्लम है। चिकन करी के साथ इसको रख लेते हैं, चिकन करी मुझे ठीक नहीं लगा, इसका टेस्ट उतना खास नहीं था, अजीब इसका टेस्ट लग रहा है, ठीक से पकाया नहीं गया है, बाकी पराठा है। तो चलिए अब इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी देखिए चंद्रपुरम रुके हुए, मैंने बताया था कि यहाँ रुकना है काफ़ी देर तक। अब अभी तो टाइम हो रही है 3 बज रहा है, अभी 5 बजे 6 बजे के आसपास ट्रेन है, काफ़ी देर इंतज़ार करना होगा, वेट करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। तो गाइस अभी तो बड़का का नाम में रुके हुए हैं, और वहाँ से चंद्रपुरा से निकलने के बाद आप लोगों को बताया था मैं कि डायरेक्ट आप घर पर जाकर मिलेंगे, जैसे अभी 20 मिनट के इंजन चेंज होता है यहाँ पे, तो वही रुके हुए हैं अभी। और इधर देखिए समोसा और आलू चॉप ले मिला था, क्योंकि रात का तो सीन पता ही था क्या क्या हुआ था, काफ़ी देर हो गया था हम लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होते होते। अभी टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा हम लोग जाने में पटना टू, उसके बाद फिर वहाँ से फिर घर चले जाएंगे, फिर वीडियो एंड करेंगे। तो फिलहाल देखिए अभी बड़का का नाम रुके हुए हैं, तो सुबह का यही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं।
हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल अभी आ गए हैं घर अपने, और आप लोगों को जो दिखाए थे जो गोड्डा रांची से मैं ट्रैवल कर रहा था, जो कि भागलपुर से मैं चंद्रपुरा तक ही किया था, और चंद्रपुरा के बाद तो बोकारो मुरी उसके बाद रांची, तीन ही स्टेशन था, ज़्यादा डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस था किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा डिस्टेंस था, बट स्टेशन तीन ही था, और जो कि स्टेशन वो कई बार कवर कर चुके हैं, इधर से भी गए थे वरांचल एक्सप्रेस से, उससे भी मुरी बोकारो का कवर किए हैं, और कई बार रांची गोड्डा से भी किए थे, तो वो तो कई बार हो चुका है, उसका तो कई बार अपलोड हो चुका है, देखे ही होंगे आप लोग। तो फिलहाल वहाँ चंद्रपुरा में उतरने के बाद आप लोगों को जो मैं दिखाया था कि रात हो गया था करीब 2:30 बजे मैं उतरा था, हाँ 2:30 बजे उतरा था मैं चंद्रपुरा में, उसके बाद वहाँ से उतरने के बाद 2:30 से 6 बजे के आसपास एक गोमो 54 करके एक पैसेंजर है वो चलती है, तो वो गोमो से 54 जाती है, तो उसी पकड़ के चंद्रपुरा से मैं पतरातू तक आया था, जो कि कुछ कुछ पार्ट मैं दिखा दिया था कि आप लोगों को कि अभी पैसेंजर ट्रेन में क्या है, वो कुछ कुछ पार्ट दिखा दिया, तो उतना ज़रूरी नहीं था बट दिखा दिया था कि हाँ अभी कंप्लीट जर्नी नहीं हुआ। तो 2:30 से 6 जो परेशानी हो गया था मुझे, एक तो रात का जो सीन हुआ था जो आप लोगों को दिखाया था, वो जो मैं जो साइड पेंटी से जो आए थे, जो कि वो पेंटी वाले नहीं थे, मैं जब कंप्लेन किया था ना तो बताया था उन्होंने, तो रेल मदद में मैं कंप्लेन किया था, रेल मदद वाले मुझे लगता है कि हाफ एन आवर के बीच तुरंत कॉल बैक किए मुझे, और जो कि ये सारा चीज़ आप लोग बता दिए थे, तो वो सारा चीज़ बताया था मैंने क्या हुआ था, जो भी सीन हुआ था वो चीज़ सारा बता दिया था कि ये सीन हुआ था मेरे साथ, ऐसा सा हुआ था, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं इसे जो भी जो स्टेशन के बीच में जो हुआ था ना ये चीज़, तो वो स्टेशन के बारे में पूछा, और उसके बाद फिर वहाँ का इंस्पेक्टर जो थे RPF वाले जो भी होंगे, तो उन्होंने वहाँ पे ये जो सीन हुआ था उसके बारे में जानकारी दिया, तो वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर हो चुका था, अब जो भी हुआ होगा बात वहाँ का अब बात किया जाएगा, वैसे जब भी होगा तो वैसे मुझे लगता है कॉल वगैरह तो आना चाहिए, बस इंतज़ार है अभी। तो फिलहाल यही सब हुआ था, बाकी फिर रेल रेस्टोरेंट से मैंने मंगा लिया था, आप लोगों को देखा ही थे, उसका भी वीडियो बनाया था, तो फिलहाल यही सब जर्नी ठीक था, बट जो सीन हुआ था वही चीज़ मुझे ठीक नहीं लगा। और रही बात ट्रेन की साफ़ सफाई की, बाथरूम की अगर मैं बात करूँ ना, 2:30 बजे जो मैं उतरने से पहले बस चेकआउट किया था बाथरूम, वहाँ का जो बाथरूम था बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं था, ना पानी का सुविधा था, अंदर में पानी चल रही है तो बाहर में पानी नहीं चल रही है, किसी में बाहर में पानी चल रही है तो किसी में अंदर में पानी नहीं चल रही है, और अंदर का सीन तो कुछ क्या मैं बोलूँ, इतना गंदा था ना, इतना एवरेज भी नहीं बता, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो ये सब थोड़ी सी देखनी चाहिए, चूँकि रांची गोड्डा स्पेशल ट्रेन है, मतलब रांची गोड्डा जो है, जो रांची से गोड्डा, गोड्डा से रांची जो चलती है, वीक मात्र 3 दिन चलती है, फिर भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा मतलब हाल, तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए, चूँकि वीक में 3 दिन ही चल रही है फिर भी ऐसा सिचुएशन है। तो फिलहाल अभी घर पर है, तो चलिए अब वीडियो ख़त्म करते हैं। आने के बाद तो मैं सो ही गया था, 10 बज गया था मुझे, तो अभी सामने मतलब मौसम देखिए वही हाल है। तो फिलहाल वीडियो ख़त्म करते हैं, और रही बात चैनल की, और हाँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छी वीडियो बनाने का। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, उसके बाद फिर वीडियो और अच्छी आएगी वैसे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना और अपना पूरे परिवार का ख्याल रखें, तो तब तक के लिए जय हिंद।